क्या दोस्तों आप लोग भी जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं? अगर आप लोग भी जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको बता दें, आप लोग के सामने भी ऐसा प्रॉब्लम आता होगा जब भी आप लोग जाते होंगे अपना जीबी व्हाट्सएप ओपन करने के लिए, तो आप लोग के सामने ऐसा प्रॉब्लम आ जाता होगा, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कैसे अपना जीबी व्हाट्सएप को आप लोग अपडेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि जीबी व्हाट्सएप आपको बता दें कि प्ले स्टोर में आप लोग को अवेलेबल नहीं मिलेगा। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग बता दें, अगर आप लोग भी जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। आजकल के टाइम पे दोस्तों आपको बता दें काफी लोग जो है वो जीबी व्हाट्सएप को यूज करते हैं, लेकिन आपको बता दें जीबी व्हाट्सएप जो है वो अपडेट करने में काफी प्रॉब्लम होता होगा। जैसे जाते होंगे लोग अपडेट करने के लिए तो वो अपडेट नहीं होता होगा, प्ले स्टोर से तो बिल्कुल अपडेट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते होंगे, जैसे अपना जीबी व्हाट्सएप आप लोग ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे बोलेगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, सिंपली से बोलेगा यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये लेके चला जाएगा आपको जीबी का वेबसाइट पे, जीबी का वेबसाइट पे आपको लेके चला जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे स्क्रॉल आप कीजिएगा, सबसे नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे बोलेगा डाउनलोड करने का दो ऑप्शन, एक है डायरेक्ट डाउनलोड, एक मिरर लिंक के द्वारा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये बोलेगा 10 सेकंड रुकने के लिए, तो आपको क्या करना है 10 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, तो हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया डाउनलोड करने का, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। तो जैसे डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का डाउनलोड यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप हो रहा है जो अपडेट वर्जन का है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग का जो जीबी व्हाट्सएप था वो अपडेट हो चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप जो अपडेट हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दे रहा है अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अपडेट करने के लिए। तो हम लोग को करना क्या है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे आपको बता दें कुछ ही समय के बाद ये हम लोग का जीबी व्हाट्सएप अपडेट हो जाएगा। आपको बता दें, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं जीबी व्हाट्सएप अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर से या जो भी फोन है उसके ऐप स्टोर से, तो वहां से बिल्कुल नहीं होगा आपका अपडेट, ठीक है। तो आपको बता दें, अगर आप लोग भी अपडेट करना चाहते हैं तो जीबी व्हाट्सएप के वेबसाइट पे ही जाके आप लोग अपडेट कीजिएगा। तो हम लोग का अपडेट हो गया है, आप सिंपली से इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, ओपन करके भी आप लोग को दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग का जो कि व्हाट्सएप है जीबी व्हाट्सएप वो ओपन हो चुका है। और आपको बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अब हम लोग का जीबी व्हाट्सएप ओपन हो गया है। दोस्तों इस तरह से आप लोग भी जीबी व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप लोग सोच रहे हैं प्ले स्टोर से या जो भी फोन है उसके ऐप स्टोर से अपडेट करना, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों फिलहाल यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।